असल मैं आपका मेज़बान रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दो अहम मामला पर आपके साथ आज गुफ्तु करूँगा अपने इस वी लॉग में उकाड़ा में मुस्लिम लीग नून का जलसा नहीं हो सका और इसलिए नहीं हो सका कि लोग नहीं आए थे लेकिन बहाना यह बनाया गया कि बारिश हो गई है और पंडाल में लोग नहीं आ सकते बारिश की वजह से जलसा मुलतवी कर दिया गया लेकिन इससे पहले जो आज से पाँच सात दिन पहले कोहाट में जो जलसा था तहरीक इंसाफ का वहाँ पर शदीद बारिश तूफान लेकिन इसके बावजूद जलसा किया था तहरीक इंसाफ ने और वो कोहाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार पाया था इसलिए कि पंडाल पूरा भर गया था बारिश थी पानी लेकिन इसके बावजूद जो खिलाड़ी थे कप्तान के वो कप्तान को देखने के लिए आए लेकिन ये लॉन्ग मार्च से जो आज़ादी मार्च है हकीकी आज़ादी मार्च उससे सिर्फ दो दिन पहले ओकाड़ा में जो पावर शो बड़ा पावर शो नून लीग का वो नाकाम हुआ है और बाहर इसका बहाना बनाया गया कि बारिश है और उसमें मरियम नवाज़ ने हमजा शहबाज ने उसमें तकरीरें करनी थी लेकिन वो सारे का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया और जो हमारे वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं जो हमारे दोस्त हैं साथी हैं जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि लोग ही नहीं आए तो बारिश का बहाना बना के उकाड़ा में जलसा इन्होंने मुलतवी किया एक बड़ी एक एक शिकस्त जो तहरीक इंसाफ का जो पावर शो होने जा रहा है पूरे मुल्क में उससे पहले एक बड़ी एक सियासी हजीमत और एक सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा नवाज शरीफ ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं इमरान के बारे में और ये जो धरना है इसके बारे में इसको कहा है कि ये जत्था है ये फितना परवर जत्था है और इसका कला कमा ज़रूरी है ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जो सियासी लोगों के लिए तो नहीं हो सकती लेकिन उसका ताल्लक़ यानी आप अगर किसी ग्रुप को मिटाना है किसी दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो इस तरह के अलफा आप इस्तेमाल करते हैं जो पॉलिटिकल फोर्स है इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी है सबसे ज़्यादा जमाते हैं वो एक एहताज इलेक्शन के लिए कर रहे हैं उनको फितना परवर करार देना उनका कला कमा पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी करार देना और उनको जत्थे करार देना आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि अपोजिशन किस तरह से डील करना चाह रही है तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च जिसका वो नाम दे रहे हैं मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ हाँ सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स ले लिए हैं वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल हम नहीं जनाब रोकेंगे और इजाज़त है लेकिन श्रीनगर हाईवे जो है जीरो पॉइंट इस्लामाबाद के नज़दीक उसको ब्लॉक किया जा रहा है कंटेनर्स के साथ और उसको आगे लोगों को नहीं आने दिया जाएगा जो सारा इस्लामाबाद का इलाका है पार्लियामेंट है जहाँ पर रवान सदर है ब्लू uh, एरिया का इलाका है जिसको रेड जोन भी जिसको हम कहते हैं उसको डी चौक के नज़दीक उसको मुकम्मल सील इसके अलावा सरीना होटल के नज़दीक इसको सील सिर्फ एक जो मरगला रोड है उसके ज़रिए आमदोरफ़त हो सकेगी अगर आपने सेक्रेटेरिएट जाना है अगर आपने उस तरफ अगर जाना है तो वैसे छुट्टी कर दी गई है इस्लामाबाद में तीन दिन की और हकूमत जो बज़ाहिर ये कह रही है कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन ताकत का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है हमें कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं और उसका असल जो मुद्दा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे ना होने दिया जाए मैं आपको अपने पिछले वी में बता चुका हूँ पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को इससे मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया है और उसमें ये कहा है उन्होंने कि जनाब आ, हम न्यूट्रल हैं और इमरान खान साहब ने भी इस पोजीशन को तस्लीम कर लिया और उनसे कहा है कि सियासी मैदान में मैं इस ग्रुप का मुकाबला कर लूँगा लेकिन आप इनको सपोर्ट देना बंद करें आ, अब जो जो खबरें आ रही हैं जी रोड बंद कर दी जाएगी मोटर बंद कर दिया जाएगा पूरी कोशिश की जाएगी अटक पर कंटेनर लगा दिए गए जहाँ पर इमरान खान साहब ने आना है तो ये इमरान खान को वहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे ये करेंगे हर तरह से कोशिश के जलूस के लोग ना आ सकें लेकिन जो इस वक्त जोशो खरोश है इस वक्त जिस तरीके से लोग आना अपनी अप शुरू कर चुके हैं सफ़र अपना इस्लामाबाद की तरफ हालांकि लॉन्ग मार्च अभी परसों को है लेकिन दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं वो निकल पड़े हैं पेट्रोल और डीजल के लिए भी ये अभी ऐलान करेंगे दो दिन का नागा जो खबरें आ रही हैं कि दो दिन पेट्रोल और डीजल बिकेगा पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे हर हफ्ते में दो दिन और बज़ाहिर यह कह रहा कहा जा रहा है कि ये बचत के लिए किए जा रहे हैं लेकिन एक बड़ी संगीन बहरानी सूरत हाल है खलबली मची हुई है नवाज शरीफ ने यह कहा है अपनी पार्टी से कि कुछ भी हो जाए आसफ जरदारी को नहीं छोड़ना बस ये आसफ जरदारी मुझे बचाएगा क्योंकि आसफ जरदारी ने जो एक माहौल क्रिएट किया है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम लीग नून के अंदर आसफ जरदारी इधर आते हैं पिंडी में और उसके बाद जाके कहते हैं कि मैं फला बंदे से मिल के आया हूँ फला अहम शख्सियत से मिल के आया हूँ उसको मैं ये कह के आया हूँ और उसके बाद फिर अब नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है अपनी जमात को कि जो कुछ मर्जी हो जाए आपने असफ अली जरदारी को नहीं छोड़ना और उनको कभी खफा नहीं करना इस वक्त बिल्कुल भारी हो चुके हैं जरदारी नवाज शरीफ के हवासों पर कब्जा कर चुके हैं पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंह है उनके पास लेकिन नवाज शरीफ की जो सारी सोच है और उसके उसका जो दिमाग है उसका जो जेन है उसको मुकम्मल तौर पर असफ़ जरदारी अपने कब्जे में कर चुके हैं और उन्हीं के मशवरे से नवाज शरीफ चल रहे हैं बाकी शहबाज शरीफ जो हैं वो भी आउट हैं और जो जरदारी साहब कहते हैं नवाज शरीफ वही कर रहे हैं अब मैं आपको एक बड़ा इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने उसकी मैं बात बताता हूँ अमेरिकन चैनल्स सी एन एन को इंटरव्यू दिया है और आप यकीन नहीं करेंगे उसमें इमरान ने क्या मुतालबा किया है इमरान ने कहा है कि डोनाल्ड लू को बरतरफ किया जाए उस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जिसने पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात की उनको धमकी दी कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद पास नहीं हुई तो पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया जाएगा पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा पाकिस्तान को सजा दी जाएगी और अगर वो तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर माफ़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को उस डोनल्ड लू की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है इमरान खान ने अमरीका से और एक अजीब मसला खड़ा कर दिया पाकिस्तानी भी इससे बड़े परेशान हैं इमरान ने आज खुलकर कहा कि ये जो डोनल्ड लू है इसने सारी साजिश की अमरीका के बिहार पर और यहाँ पर जो अमरीकी सफारतक थे ये तहरीक इंसाफ के उन लोगों से जो थोड़े बहुत खफा थे इमरान खान से नाराज थे उनसे मिलते रहे एक माहौल बनाया लाखों डॉलर खर्च किए अमरीका ने एक साजिश के लिए और इन लोगों को दिखाया गया इतहादियों को और इतहादियों की हमायत हासिल की गई इनको दिखा के कि जनाब ये देखें ये बड़े पैमाने पे लोग हमारे साथ आ गए हैं और ये जो सारे का सारा मामला है रिजीम चेंज ये अमेरिका ने किया और उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में एक एंटाई अमेरिकन सेंटिमेंट है डोनल्ड लू को अगर अमरीका अपनी जॉब से नहीं हटाता तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान लोगों के दरमियान जो दूरियाँ हैं जो नफरतें हैं उनको आ, उनको पाटना उनको ख़त्म करना नामुमकिन होगा और ये भी उन्होंने अपनी जो करप्शन है उसके बारे में बड़ी खुलकर बात की कि जो इस वक्त वज़रा हैं जो काबीना है अस्सी सत्तर फ़ीसद जो काबीना के वजीर हैं वो करप्शन में वो मुलवस हैं जमानतों पर हैं और ये सारी की सारी जो रिजीम चेंज थी इसको अमेरिका ने ही इसको औरकेस्टर किया और वो बिल्कुल इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो वो किसी भी हद तक जाएंगे हुकूमत ने प्लान ए में ये किया है कि वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्लान बी में वो गिरफ्तारियां करेंगे और प्लान सी में फिर बाकायदा तशद के जरिए लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे लेकिन इतने ज़्यादा लोग होंगे कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कम पड़ जाएगी और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है और कंटेनर्स इस तरीके से पकड़ रहे हैं कि बड़े शहरों से जो कंटेनर पिंडी की तरफ बुक हुए थे वो कंपनीज ने उन कंटेनर्स को पिंडी भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि यहां पे कंटेनर्स को पकड़ के उनको सड़कों पे रखा जा रहा है पिंडी के अंदर भी सड़कें ब्लॉक की जा रही लेकिन लोग जो हैं उनका जज्बा और जोश अपनी जगह पर मौजूद है बढ़ता जा रहा है और वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने